पूछो मत, भगवान का शुक्र है बच गया काना। ज्यादा लगी नहीं लेकिन कम भी नहीं लगी, बहुत तकलीफ हो रही है उसे, पता नहीं रहा लेकिन हमें पता है। आंटी मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं? कैसे बताएंगे अंजलि, तू पूजा में आई ही नहीं, सब ठीक है ना बेटा? जी नहीं आंटी, एक्चुअली मैं पूजा में आई थी लेकिन फिर बस दूर से ही वापस चली गई। क्या तू आई थी वहां और हमें मिले बिना चली गई? अंजलि हमने तुमसे कितनी बार कहा है, हमारे लिए तुम आज भी वही अंजलि हो, भूलना मत, और अगर तू भूलेगी ना तो हम तुझे भूलने नहीं देंगे, समझी? एक तू ही है जो इस परिवार से और काना की जिंदगी से उस मनहूस लड़की का साया दूर भगा सकती है। लेकिन समझ में नहीं आता कैसे, कल जिस तरीके से काना ने मुझे और मेरे प्यार को ठुकराया और वहां से चला गया, उसके बाद समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे आऊं मैं उसके सामने। हिम्मत करनी पड़ेगी, कोशिश करती रहे, अगर कोशिश करेगी तभी तो वो सब पाएगी जो तू और हम दोनों चाहते हैं। आंटी जब पूजा में भी उसके सामने नहीं आ पाई मैं, तो पता नहीं कमरे में कैसे जाऊंगी। जाएगी तभी तो काना की जिंदगी में वापस आ पाएगी ना। समझ में नहीं आ रहा कि जाऊं या नहीं, अगर आज भी काना ने वैसे ही बर्ताव किया जैसे कल किया था उसने मेरे साथ, तो बहुत हर्ट होगा मुझे, बहुत बुरा लगेगा। कैसे समझाऊं काना को कि सयूरी का जब नाम भी लेता है ना वो तो तकलीफ होती है मुझे, उसे उसके साथ कैसे देख सकती हूँ मैं, नहीं देख सकती। तुझे भू करके डराने आए थे? किधर, फूकने से धूल उड़ती है, दर्द नहीं? हम में दर्द हो रही है और तुझे मजाक सूझ रहा है? बहुत दुष्ट है तू, मर गए मर गए मर गए। एकदम चुप, एक शब्द नहीं बाहर निकालना। बहते हैं जज्बात। क्या? सॉरी। क्या करने आया था तू मेरे रूम में, तेरे रूम, इस रूम में क्या करने आया था? छोटा बच्चा है क्या जो एक जगह टिक के नहीं बैठ सकता, जो भाव करने आ गया? हमने बोला और तूने मान लिया? तो क्यों आया था? वो तेरी दवाई का टाइम हो गया था, हमारी आंख लग गई थी तो पूछने आए थे तूने दवाई खाई या नहीं। खा ली है। और सिर्फ पिया? भूल गई। पता था ऐसा ही कुछ करने वाली है तू, मतलब डॉक्टर ने बोला भी है कि एक महीने तक रोज सारी दवाइयां लेनी है, लेकिन नहीं, हमारी दवाई का जितना ध्यान रखती है उतनी अपनी दवाई का भी रख लेगी ना, तो ऐसे गिरती पड़ती नहीं रहेगी बेहोश होके कहीं पे भी। तू अपनी फिक्र कर, हाथ तो इसे गले में लटका के रखा हुआ है और चले हैं दूसरों को डराने के लिए। दोनों बातों का क्या कनेक्शन है? वही कनेक्शन है जो दवाई खाने और डरने में है। हम तब तक नहीं जाने वाले जब तक तू दवाई नहीं खा रही। हाँ तो ठीक है मत जा, मेले तो अच्छा ही है, वैसे भी थोड़ी देर में तुझे पेन किलर देनी थी। पेन किलर खानी है हमें? कोई किलर नहीं आ रहा हमें मारने के लिए जो तेरी हेल्प चाहिए होगी। मैंने पूछा क्या तुझसे कि तुझे मेरी हेल्प चाहिए कि नहीं? अजीब जबरदस्ती है, तुझे किसने दरोगा बना दिया? लोग अपने दुश्मनों को पानी तक नहीं पूछते और तू जब देखो कि गोली और पानी का ग्लास लेके खड़ी हो जाती है। दुश्मन थोड़ी है तू मेरा। क्यों, हमसे दुश्मनी कम हो गई है तेरी? हाँ जैसे तेरी दुश्मनी मेरे साथ कम हो गई। फ्रेंडशिप बैंड। बहते हैं जज्बात। एक मिनट, ओ दिल पे काबू ना। पिंक, यही मिला था मेरे लिए। शूट करेगा तुझे। स्वीट है। फ्रेंड्स? Oh.
अंजलि आई है कान्हा से मिलने। हम तो चाहते हैं कि वो आज रात यहीं रुक जाए। वैसे भी वो लड़की और कान्हा एक कमरे में रहते नहीं है। पर मां आपके इशारों को अंजलि समझ नहीं पा रही है, वरना अब तक वो जिद पर अड़ चुकी होती। और जिद छूत की बीमारी जैसी होती है कुसुम। हमारे उसके सर पे हाथ रखने से हमारी जिद का रंग उस पर जरूर चढ़ेगा। पर फिर राह किस बात की देख रहे हैं माँ? जल्दी कुछ कीजिए आप। बीज तो डाला है हमने, बस पानी देने की देर है। अंजलि, ये तुम्हारे लिए। थैंक यू। खाना, पहले तो मैं छोटी सी चोट भी लग जाती थी तो पूरा व्लॉग बना देते थे उसके ऊपर, और आज इतनी बड़ी चोट लग गई और मुझे बताया भी नहीं। कोई ऑनलाइन फैन नहीं थी मैं तुम्हारी, बहुत करीब थे हम, इतना तो बता सकते हो ना। वैसे सयूरी तुम कैसी हो? कान्हा ने बताया तुम्हारी भी तबीयत ठीक नहीं थी। तुम एक काम करो, जाकर रेस्ट कर लो। मैं हूँ यहाँ पर कान्हा के पास उसका ख्याल रखने के लिए। तुम दोनों का ख्याल रखने के लिए, तुम दोनों की दोस्त हूँ ना आफ्टर ऑल। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अंजलि, तुम बैठो ना कान्हा के पास। नहीं नहीं, हम भी ठीक हैं, बिल्कुल ठीक हैं, और तुम रहने दो। यहाँ पे सब लोग हैं ना मेरा ध्यान रखने के लिए। नकुल है, घर के बाकी लोग हैं, और सयूरी है, वो हमारा ख्याल रख लेगी। तुम चिल करो। मैं अंजलि के लिए पानी लेके आती हूँ। नहीं सयूरी, वो किचु भैया ले आएंगे, तुम यहीं रुको, शायद हमें तुम्हारी जरूरत हो। माँ, हमें लगा था अंजलि अंदर जाने के बाद वो महारानी कमरे से बाहर निकलेगी, लेकिन ये तीनों अंदर जमकर बैठ गए। अच्छा है ना, इसका मतलब कान्हा ने अंजलि को अपने पास रोक के रखा है। और अगर किसी वजह से अंजलि बाहर भी आई तो भी अच्छा है। मतलब